In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are good and fine. Today, I will start our lecture number 7 of maths, page number 12 to 15. Now, open your maths book and draw straight lines at top of these pages. And write C dot W in the center and date at the corner. On page number 12, our topic is backward counting. Backward counting means पीछे से count करना. Look at an example. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's understand number. बैकवर्ड काउंटिंग पीछे की गिनती. डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है बैकवर्ड काउंटिंग. लेट अस काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 50 to 30. चलें काउंट करते हैं 50 से 30 तक. बैकवर्ड्स काउंटिंग शुरू में आएगा 50 और एंड होगा 30 पे. नाउ बिफोर 50 इज 49. 49 से पहले कौन सा नंबर आएगा 48. वी हैव टू राइट 48. नाउ बिफोर 48 इज 47 एंड बिफोर 47 इज 46, 45. 45 से पहले 44 एंड 43. 43 से पहले 42. We have to write 42. Now 41, 40, 39. Before 39, number is 38. Before 38 comes 37, 36, 35. Now 34, 33. 32, 31, and in the last 30. We have to start from 50 to 30 backward counting. Now in the next page, what is my name? Mera naam kya hai? These big numbers, ye bade numbers, हैव फोगॉटन, भूल गए हैं दियर नेम्स, अपने नेम. ये जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ये अपने नेम भूल गए हैं. अब हमने क्या करना है, हेल्प देम, इनकी मदद करनी है बाय राइटिंग, लिख कर दियर नेम्स, इनके नेम इन द बॉक्स प्रोवाइडेड. हमें जो बॉक्स दिए गए हैं हमने इन बॉक्स में इनके नेम लिखने हैं क्योंकि ये अपने नेम भूल चुके हैं. अब हमने इनको इनके नेम बताने हैं. 342, दिस इज़ डन फॉर यू. नाउ वी हैव टू डू पार्ट डी. 870, 870 नंबर इज 870. वी हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ 870. राइट डाउन स्टूडेंट्स, 870. लिखते हुए स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना है एंड राइट बी केयरफुली. लुक एट 870, 870. नाउ पार्ट एच 258, द नंबर इज 258. We have to write the spelling of 258. Write down students, 258. बहुत ध्यान से लिखना है, स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना है और राइटिंग भी नीट और क्लीन होनी चाहिए. 258, द नंबर इज़ 258.
Now students, look at the page number 14, numbers and number names. Number और number के नाम 640, 640. This is done for you. Now look at the part D, 508, 508, FIVE5, HUNDRED, 100, and EIGHT8. नंबर का नेम क्या है? 508. नाउ लुक एट द पार्ट जी, 785, 785, SEVEN7, HUNDRED, AND, EIGHTY80, FIVE5. 785, 785. Now students, look at the question number 8. Now write the number. हमने इसके ऊपर वाले पार्ट में नंबर के नेम लिखे, अब हमने नेम के नंबर लिखने हैं. पार्ट ए 924, वी हैव टू राइट इन नंबर 924 इज द नंबर 924. लुक एट अनदर पार्ट जी 398, वी हैव टू राइट 398 इन नंबर 398, दिस इज़ द नंबर 398. नाउ लुक एट द पेज नंबर 15, नंबर्स अप टू 999, नंबर्स जो 999 तक हैं ऑर्डरिंग ऑर्डर में लिखने हैं. सम नंबर्स आर मिसिंग, कुछ नंबर मिस हैं, फिल देम इन, उनको आपने फिल करना है. ए इज़ डन फॉर यू, 125 से 130 तक ये आपको ऑर्डर में दिए हुए. नाउ लुक एट द पार्ट सी, यहाँ पे सिर्फ दो नंबर दिए हैं, बाकी नंबर मिस हैं, हमने इसको फिल करना है. 477 से पहले क्या आएगा? 476. राइट डाउन 476. 476 से पहले 475. नाउ 477 के बाद क्या आएगा? 478. आफ्टर 478 इज 479 एंड आफ्टर दैट 480. 475, 476, 477, 478, 479 एंड 480. नाउ लुक एट द पार्ट जी 677, 677 एंड आफ्टर 677 इज 678, 679, 680, 681 एंड 682. I hope you have understood these pages. Now, time for your home task. Day 1, do page number 12, 13. Day 2, do page number 14 and 15. Day 3, do page number 30. Look at the page number 30. There are sums of addition and do these sums by on. You must have draw sketch for your homework. Okay student, take care and Allah Hafiz.